कॉर्नेलियस ने एक दर्शन देखा। एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और जानता है कि तुम गरीबों की सहायता करते हो। पतरस को यहाँ पर लाने के लिए याफा में मनुष्यों को भेज। उसी तरह याफा में अगले दिन पतरस छत पर प्रार्थना कर रहा था। एक दर्शन में एक बड़ा पात्र स्वर्ग से आया। ये जानवरों से भरा हुआ था। एक आवाज ने कहा, हे पतरस उठ, कुछ मार कर खा। वो सब जानवर वही जानवर थे। तभी कॉर्नेलियस के संदेश वाहक भी पहुंचे। इसलिए पतरस और कुछ अन्य उसके साथ कैसरिया में गए। कॉर्नेलियस का घर उसके मित्रों और परिवार के साथ पतरस को बोलते सुनने के लिए भरा पड़ा था। परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया कि वो हर जाति से लोगों को स्वीकार करता है। परमेश्वर ने यीशु को हर एक के लिए भेजा। वो सबका प्रभु है। उसने बीमारों को चंगा किया और दबाए हुओं को आजाद किया। वो सलीब पर चढ़ाया गया और तब मुर्दों में से जी उठा था। हर कोई जो उस पर विश्वास करता है उसके पापों की क्षमा पाएगा। पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के समान ही उन पर उतरा। पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया। Thank you.